भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला। उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार 23 सितंबर को दिल्ली सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते समय उनके कार्यकाल में 2 कुर्सियां लगाई गईं, जिनमें से एक बड़ी कुर्सी खाली रखी गई। आतिशी ने इस पर कहा कि 4 महीने बाद इस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल को बैठाएंगे। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद आतिशी ने कहा कि वह भरत जी की तरह भगवान श्री राम के खड़ाऊ रख कर काम करेगी। उन्होंने कहा, मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे। आतिशी ने यह संकेत दिया कि वह अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में उनके पद को संभाल रही हैं। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की तुलना भगवान श्री राम से करते हुए कहा कि जिस तरह भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन के लिए वनवास स्वीकार किया, उसी तरह अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में नैतिकता की मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी के जीवन में हमें मर्यादा और नैतिकता का पाठ मिलता है। आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में केजरीवाल पर झूठे मुकदमे लगाए गए और उन्हें बदनाम करने के लिए जेल में रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन पर कीचड़ उछालने का कोई मौका नहीं छोड़ा, लेकिन वह 5 महीने से अधिक जेल में रहने के बावजूद अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के चरित्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल ने कहा कि वह तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक दिल्ली के लोग उन पर अपना विश्वास फिर से नहीं जताते। यह अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी का उदाहरण है। आतिशी ने 2 दिन पहले अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब सोमवार को दिल्ली सचिवालय पहुंचकर उन्होंने सीएम पद की जिम्मेदारी संभाल ली है। उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद संभावना है कि वह कैबिनेट की बैठक बुलाकर कई महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। सूचना यह भी है कि दिल्ली विधानसभा का सत्र 26 और 27 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लिए जाने की संभावना है। ऐसे में आतिशी की नेतृत्व क्षमता की परीक्षा होगी और दिल्ली की जनता की नजरें अब उनके काम पर टिकी रहेंगी। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया, इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में, 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। धन्यवाद।